हमने कभी कबूल नहीं करी। चलता है सियासत है सर, यूएन में मामला लेके गए और कश्मीर में जो हालात पैदा हुए, देखिए आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए? उस वक्त पुंछ और रजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और रजौरी बच जाए। आज पुंछ और रजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए भी बताया। देखिए उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे, सिर्फ इसे जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन। अब ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्या करें? उस वक्त की हालत ऐसी थी भारत की, उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। फिर जो उन्होंने यूएन वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल थी, उन्होंने जो जिनने हमला किया था और जिन पे हमला हुआ था उनको एक ही पेडेस्टल पे रखा, इसके बजाय कि हमला वाले को वो पकड़ें उसके बारे में कहें। उन्होंने वहाँ पे अमेरिका का जोर था उस वक्त, वो पाकिस्तान की तरफ थे। सुनिए, अगर वो फौज उस वक्त राजौरी और पुंछ को नहीं बचाती तो आपका राज्य पुंछ भी चला गया होता। उसको बचाने के लिए वो फौज को डाइवर्ट किया गया उस वक्त। अच्छा फारूक साहब, क्या 370 दहशत का माहौल जो है वो खत्म कर दिया? और अगर दहशत का माहौल खत्म कर दिया, मुझे आप बताइए कितनी फौज है वहाँ पे, कितनी फौज है, कितनी BSF है, कितनी CRPF है, कितनी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है जो मेरे वक्त में नहीं थी? आज हर घर के सामने एक फौजी खड़ा है, बताइए वो क्यों नहीं ये कहते? अगर इतनी फौज होकर भी हमारे फौजी जवान और अफसर मर रहे हैं, क्या वजह है? अगर सचमुच आतंकवाद खत्म हो गया है, बताइए कैसे मारे गए, कैसे आ रहे हैं? आज मैं तो नहीं हूं शासन में, ये बताइए कितनों को इनने बसाया, जिनको मनमोहन सिंह जी ने 3000 को नौकरी भी दी थी, वो भी आज जम्मू में बैठे हैं, वो भी वापस नहीं जा रहे हैं, उनको अपनी जान का खतरा है। अब मेरा यकीन नहीं, आप जाइए जम्मू में और उनसे पूछिए।